अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू टीवी। आज हम बात करेंगे 10 हॉरर मूवीज़ की, उनकी पॉपुलैरिटी बेसिस पे। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रेलिक, जिसकी डायरेक्टर है नताली एरिका, एंड रेलिक का योनरा है ड्रामा एंड हॉरर। ये कहानी एडना के बारे में है, जो कि एक बेवा खातून है और गुम हो जाती है। उसकी बेटी और पोती उसकी तलाश में अपने आबाई घर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहाँ मालूम होता है कि घर में कोई ऐसा है जो एडना को अपने कंट्रोल में कर रहा है। और उसके बाद उस घर में पूरे इसरार वाकयात का एक सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद उन्हें अपना घर आसेब ज़्यादा लगता है। दी इनविजिबल मैन, जिसके डायरेक्टर हैं ले वेनल, और इसका योनरा है हॉरर, मिस्ट्री एंड साइफाई। जब सिलिशिया, जो कि इस कहानी की मेन लीड हैं, उनके साबका शोहर खुदकुशी करते हैं, जिसके बाद उन्हें लगता है कि शायद उनके शोहर का मर जाना एक चकमा था, क्योंकि उसके बाद उस घर में जानलेवा हादसात का एक सिलसिला शुरू होता है, जब सिलिशिया लोगों को ये साबित करने की कोशिश करती है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, जिसे उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। दी हंट पार्ट 2, जिसके डायरेक्टर हैं क्रेग जोबेल, और इसका योनरा है एक्शन, हॉरर एंड थ्रिलर। 12 लोगों को एक क्लियरिंग में छोड़ दिया जाता है। ये 12 लोग ना तो एक दूसरे को जानते हैं और ना ही उन्हें ये मालूम है कि आखिर उन्हें उस क्लियरिंग में क्यों छोड़ा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ, यके बाद दीगरे मसाइल के साथ, उन्हें ये एहसास होता है कि इन 12 लोगों को उस क्लियरिंग में किसी खास मकसद के लिए छोड़ा गया था। यू शुड हैव लेफ्ट, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड कोइप, और इसका योनरा है एक ड्रामा, हॉरर एंड मिस्ट्री। एक साबका बैंकर, उसकी बीवी जो कि एक अदाकार है, और उनकी बेटी जिस पर आसेब हैं, ये सब एक वीरान जगह पर, जहाँ पर सिर्फ उन्हीं का घर मौजूद होता है, वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाते हैं। जहाँ जाने के बाद उन्हें ये मालूम होता है कि ये जगह इतनी भी खामोश नहीं जितनी उन्हें लगती है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आसेब ज़्यादा बेटी की वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो इस बात को कबूल ही नहीं कर पाते कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। बैकी, जिसके डायरेक्टर्स हैं जोनाथन मिलेट एंड कैरी मैगोनियन, और इसका योनरा है एक्शन, ड्रामा एंड हॉरर। ये एक टीनेजर लड़की की कहानी है, जो कि अपनी फैमिली के साथ झील के किनारे पर वाकया उनके एक घर में अपना वीकेंड गुजारने जाती है, और वहाँ कुछ अजीब मुजरिमों यानी कॉन्विक्ट्स की तरफ से उन पर जानलेवा हमलों का एक सिलसिला शुरू होता है। फैंटेसी एयरलाइन, जिसके डायरेक्टर हैं जेफ बेडलो, और ये एडवेंचर, फैंटेसी और हॉरर के योनरा में फॉल करती है। एक आलीशान जजीरे पर रहने वाला एक शख्स, जो कि उस जजीरे का मालिक है, वो एक खास लोगों के ग्रुप को अपने घर यानी उस जजीरे में कुछ अरसा रहने के लिए मदु करता है, जिसके बाद वहाँ पूरे इसरार वाकयात शुरू हो जाते हैं, और उन सबको अपनी उस गलती का एहसास होता है कि उन्हें ऐसे ही किसी के भी मदु किए जाने पर कहीं भी नहीं चले जाना चाहिए। अंडरवाटर, जिसे डायरेक्ट किया है विलियम एन बाक ने, और ये मूवी एक्शन, हॉरर और साईफाई के योनरा में फॉल करती है। समुद्री रिसर्चर्स यानी समुद्री मुहक्कीकीन का एक ग्रुप पानी की गहराइयों में ड्रिलिंग का काम कर रहा होता है। उसी काम के दौरान एक जलजला आने की वजह से उनका वो काम रुक जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पानी की गहराई में शेल्टर ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, और वो जलजले की वजह से अपने आप को बहुत सी मुसीबतों का शिकार पाते हैं। लेकिन उनकी ड्रिलिंग का काम रुक जाने की वजह से उनके अलावा और भी बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ब्लैक वाटर 2020, जिसके डायरेक्टर हैं एंड्रयू ट्रॉकी, और इस मूवी का योनरा है एक्शन, ड्रामा एंड हॉरर। ये कहानी 5 दोस्तों की है, जिसमें वो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के गारों के सिलसिले में एक भूखे मगरमच्छ के शिकार होने से खुद को बचाते हैं, और इसके बाद दीगरे मसाइल का सामना करते हुए अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरता भी देखते हैं। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन क्रेसिंकी ने, और इस मूवी का योनरा है ड्रामा,
हॉरर एंड साईफाई। घर पर होने वाले हादसात के बाद एबट फैमिली को इस बात का अंदाज़ा होता है कि उन्हें बाहर की दुनिया से भी धमकाया जा रहा है, यानी कि अगर वो घर में रहे तो उन्हें घर में होने वाले हादसात से ख़तरा है और अगर वो घर से बाहर निकले तो उन्हें दुनिया से ख़तरा है। और वो इस चीज़ की परेशानी के साथ साथ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी होते हैं। इसी दौरान उन्हें मालूम होता है कि आवाज़ की वजह से उनका पीछा करने वालों के अलावा और भी कोई है जो ये नहीं चाहता कि वो ज़िंदा रहें और जो उनकी जान के लिए ख़तरा बना हुआ है। ग्रेटल एंड हैंसल, जिसे डायरेक्ट किया है ओस पार्किंस ने, और ये मूवी फैंटेसी, हॉरर और मिस्ट्री के योनराज में फॉल करती है। काफ़ी अरसे पहले एक कंट्री साइड में रहने वाले दो बच्चे जो कि बहन भाई हैं, ये उनकी कहानी है, जहां बहन अपने भाई के साथ घने काले जंगल में खाने और काम की तलाश में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक घर नज़र आता है जिससे उन्हें केक की यानी कि खाने की खुशबू आती है, जिसकी वजह से वह वहाँ खींचे चले जाते हैं। अचानक से इस घर का मिल जाना जहाँ खटकता है, वहीं भी उसका भाई वहाँ मौजूद खाने की वजह से खुश हो जाता है। जहाँ एक औरत मौजूद होती है, बहुत पुरेसरार और खौफनाक होती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ मौजूद खाने की वजह से और अपने भाई की खुशी की वजह से उसे वहाँ रुकना पड़ता है, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मालूम होता है कि वो घर, वो औरत, उसके भाई और उसकी जान के लिए वबाले जान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।